खबर बलिया जनपद से, जहां बीएसपी पार्टी छोड़ सपा में शामिल हुए अनिल राय का बलिया में प्रथम आगमन पर स्वागत के लिए सपा कार्यकर्ताओं का जगह जगह सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। सपा नेता के स्वागत में निकली जुलूस से NH31 पूरी तरह से जाम नजर आया। आपको बता दें, सपा पार्टी ज्वाइन करने के बाद बलिया में अनिल राय का प्रथम आगमन हो रहा है। इस अवसर पर अनिल राय ने कहा, 2022 के रूप में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। बलिया जनपद से दीपक सिंह, सचिव की रिपोर्ट। के पास स्पष्ट है कि 22 में आदरणीय श्री सरदे अखिलेश यादव जी की सरकार बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ताकि उत्तर प्रदेश से जितने बलाए हैं सब भग जाए। तो बलाए बलिया से ही शुरुआत होगी क्या? अब ये तो मैंने बलाए तो पूरा प्रदेश में हो गया है, जो लोग मंत्रिमंडल में है वो खुदे अराजकता फैलाए हुए हैं, बलात्कार नेता करता है। नेता शब्द इतना महान चीज है कि आदमी अपना सब कुछ एक नेता बनाने के लिए दे देता है, वही नेता किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार करने का काम करता है। तो ऐसे लोगों को तो उखाड़ फेंकना ही पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव जी हैं, जिनके साथ यदि हाथ मिला दिया जाए तो उखाड़ करके फेंक देंगे, बाकी के बस का नहीं। ये बताइए, बसपा में क्या कमी दिखी और सपा में क्या खासियत? कोई कमी नहीं, जरा ये कमी एक है। देखिए, मैं विद्यार्थी नेता रहा हूँ, हम लोग संघर्ष किए हैं, लड़ाई लड़े हैं। मैं 2007 तक तो जिला छात्र संघर्ष समिति का अध्यक्ष था, केवल छात्र संघ का अध्यक्ष नहीं था, 2007 तक जिला छात्र संघर्ष समिति का अध्यक्ष था। इसलिए था कि मैं लड़ाई लड़ता था, आंदोलन करता था, लड़कों के हकों हुकुम की दिलाने की काम प्रशासन से और अन्य जगह भी लड़ करके करने का काम करता था। तब बसपा जब ज्वाइन किया तो चूंकि छात्र संघ भंग हो गया था तो नौजवानों ने मुझे हटा दिया, तो जन्मीन बात थी। आज मुझको यह लगा कि संघर्ष रोड पर करने की जरूरत है, और रोड पर संघर्ष तभी होगा जिसके ऊपर आदरणीय अखिलेश यादव जी का हाथ होगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता।